रामचंद्रपुर में सबसे न्यारे सबसे प्यारे कौन? हंटर बाबू हंटर बाबू। मुझे इनकी कड़कदार बोली वाणी है असरदार, लड़ना भिड़ना आदत इनकी, रगड़ मिटाना चाहत इनकी, अपने पे रखते काबू। हंटर बाबू हंटर बाबू हंटर बाबू। और करके आए थानेदारी, अब तो केवल खेती बाड़ी, जय जवान की जय किसान की, अजब गजब का इनका जादू, लगे ठहाके खुल के हंसते। हंटर बाबू हंटर बाबू हंटर बाबू हंटर बाबू। आप जरा ऊपर नीचे झांक लिया करिए या आवाज दे लिया करिए तो आपका बंदा हाजिर हो जाएगा। अरे अवतार जल्दी जाओ, माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। भाग निकला। ओ डैम इट, नाउ व्हाट? वेट, हेलो इंस्पेक्टर, कहाँ हो आप? बाहर से थोड़ी दूर अम्मू की सड़क पर। अच्छा ओके, सड़क से कुछ दूर पर जो खंडर जैसा मकान है उसे देख रहे हो आप? यस मैडम, उस मकान के पीछे।
उस मकान के पास एक कुआ है, वहाँ पे चेक करो उसे। और कुएं के पास कुछ झाड़ियाँ हैं, वहाँ पर भी उसको चेक करना। उधर भी हम देख रहे हैं। इस बार निकलना नहीं चाहिए वो, किसी भी कीमत पर पकड़ना है उसे। बंटी को अवैध हथियारों से पकड़ लिया। Yes, well done. Keep it up. What happened? What happened? Finally, बंटी पकड़ा गया अवैध हथियारों के साथ। That's great. Yes. प्रणाम प्रधान जी। मस्त रहो, अकेले आए हो? राम जतन का भाई बंटी कहाँ है? प्रधान जी उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा। अरे कोई सुई है, है? कि कहीं गुम हो गया? उसको ढूंढने के लिए हम उसके राजनगर वाले घर भी गए थे, लेकिन वहां पे ताला लगा हुआ है। अरे वो घर पर नहीं है, आखिर गया कहाँ? आँख बांधना लाचारी और निकम्मेपन को दर्शाता है जीवित। बंटी को हर हालत में तुम्हें तलाशना ही। वैसे कभी कभी वो अपनी रिश्तेदारी में भी चला जाता है और 15-20 दिन के बाद लौटता है। हो सकता है वो किसी रिश्तेदार के यहाँ गया हो। अरे ये तो लापरवाही है, है? उसको तो आज हमसे मिलना था। वही तो हम भी सोच रहे हैं प्रधान जी, ये आखिर आपसे बगैर मिले कैसे चला गया? जी मालिक। अरे पानी लाओ। अभी लाया मालिक। पानी पानी। पकड़ो मालिक चावल। अरे है ना मेरे पास। तुम बंटी के रिश्तेदारी में जाकर उसको पता लगाओ और उसको किसी तरीके से लाओ। बहुत काम का आदमी है जी। यहाँ के लोगों पर हमारा विश्वास सब डिगने लगा है। प्रधान जी अब सब कोई बंटी और रामजतन तो है नहीं। और तुम्हारा MLA है, यहाँ तो बराबर हाँ हाँ करता था और बाहर जा करके पाला बदल लिया। चलो कोई बात नहीं, ये भी देख लेंगे। चार। जी मालिक। अरे चाय का क्या हुआ भाई? लाया मालिक। है? मालिक चाय। मलाई मार के लाया है जी मालिक, मलाई मार के। अच्छा
ये बताओ जी, 6-7 महीने के बाद पंचायत का चुनाव होना है, है? तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? प्रधान जी, उसी की तैयारी में लगे हैं हम सब। सिर्फ लगे रहने से कुछ नहीं होगा जीवित, इसके लिए साम दाम दंड भेद जितने तिकड़म है ना, सब तो इस्तेमाल करना पड़ेगा। अरे प्रधान जी, आपके साथ रह के यही तो सीख रहे हैं। वैसे प्रधान जी, ये कुलड़िया वाली और मखनी चाची, ये दोनों रास्ते में टांग अड़ा रही हैं। छोटे लाल को भी इन्होंने ही बचाया। इन लोगों का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे तो करो ना, है? तुम लोगों को इसके लिए नेवता भेजना होगा क्या? आप बीच में रोकेंगे तो नहीं ना? अरे करो ना, जो करना है तो हम हैं ना, हम सब देख लेंगे। ठीक है। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। देह को सीधा कर देते हैं। हाँ। बस बस, ज्यादा सफाई मत देखो। जरा मम्मी को तो देखिए, आज ज्यादा खुश नजर नहीं आ रही। अच्छा, खुश क्यों नहीं होंगे? अपनी बहन के यहाँ से जो मिल के आ रहे हैं। माहौल बहुत अच्छा था। हाँ माँ, मुंडन हो, सगाई हो या शादी हो, घर का माहौल तो अच्छा हो ही जाता है ना। और इस बहाने से सगे संबंधियों से भी मिलना हो जाता है। हाँ, और तुम जाने के लिए कितना मना कर रही थी, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, और अब आ गई हो तो आके पछता रही हो। वैसे उनके घर में सबसे बुजुर्ग हम ही थे। हाँ, और तुमको पता है, सुधा दीदी तुमसे मिलके इतना खुश हुई कि पूछो मत। अरे सुधा मासी का बस चलता है ना, तो वो सारा काम काज छोड़ के नानी के पास ही बैठी रहती है। हाँ। अरे बस यही तो रिश्ते बचे हैं। हाँ,
पता नहीं मम्मी, हमारे घर में रिश्तेदारों का कब जमावड़ा होगा। घर तो आ गया मम्मी, और जमावड़ा हम लोग लगा लेते हैं। नानी हाँ हाँ, चलिए चलिए चलिए। अरे तुम्हारे कारण इतना जल्दी आए हैं, नहीं तो हम दोपहरिया में आते क्यों मम्मी? मम्मी आप रुक जाते ना, और एक सप्ताह बाद आ जाते। देख अवतार, तेरी माँ ये बात बिल्कुल सही बोल रही है। अरे कहीं जाते हैं तो ऐसे थोड़ी भाग दौड़ करके आते हैं। हाँ। कम से कम आज सुबह 2 घंटे हम रुक सकते थे। हाँ। तो चला जाता। हाँ। अरे मम्मी हम बताते हैं, ये सोच रहा था ना कि कहीं से शादी की बात ना वहाँ चल जाए, इसलिए बोल रहा था चलो चलो। चलिए देखिए, लेके जाना है, बहुत तंग है, दर्द हो रहा है, कुछ करेंगे धरेंगे थोड़ी। चलो मम्मी, बदमाश एक नंबर किताब लेके बैठ जाएगा। चलो तुम चलो आराम करो, हम तुम्हारे लिए चाय बनाते हैं। हेलो हेलो हेलो, हेडक्वार्टर, दिस इज एजेंट नंबर 4। जी यस, कॉल यू लेटर। पहले बैठते फिर बताती हूँ। बैठो। और कैसा रहा सब कुछ? अभी आई हूँ थोड़ी देर पहले, तुम पढ़ाई कर रही थी इसीलिए तुम्हें पता नहीं चला, और सब कुछ बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा आया। वो तो अवतार ने इतनी जल्दबाजी कर दी इसीलिए अभी आ गए, नहीं तो दोपहरिया तक आते। मुझे लगता है अवतार से बात करने के लिए कोई होगा नहीं वहाँ पे। बेटा बात तो खुद ही करने आना चाहिए ना। पर आपको तो पता है उसका नेचर कितना संकोची है वो। इसी बात से तो मुझे परेशानी होती है, बैंक में पता नहीं लोगों से कैसे बात करता होगा। पर बैंक में तो उसकी ड्यूटी का पार्ट है वो, और वहाँ पे तो सारी प्रोफेशनल बातें करनी है उसको। खैर ये सब बातें छोड़ो, तुम्हें पता है बहुत मजा आया। अच्छा, इतने लोग आए हुए थे ना कि मैं तो सबसे ढंग से बात भी नहीं कर पाई, मेरा बस चलता तो मैं 1-2 दिन रुक ही जाती। तो रुक जाना था ना कुछ दिन और। अरे बेटा तुम्हारी और ये घर की भी तो चिंता थी मुझे, कैसे रुकती? यहाँ की क्या चिंता थी, हम थे ना यहाँ पर। हाँ तुम तो थी, तुम्हें पता है मैं तो तुम्हें भी अपने साथ ले जा रही थी। वो तो तुम्हारे अंकल ने बोल दिया कि उसको पढ़ाई में ना डिस्टर्ब होगा इसीलिए नहीं ले गए, नहीं तो तुम्हें अपने साथ ले जाते हम। उस दिन हम यहाँ थे भी नहीं, याद है तो आपको? हाँ हाँ तुम नहीं थी। अच्छा बेटा वो रामावती नहीं आई क्या? आई थी आंटी, हमने उसे वापस भेज दिया। अरे क्यों? अरे कुछ काम ही नहीं था करने के लिए, वो तो बेचारी नाश्ता बनाने जा रही थी। हाँ। फिर हमने सोचा हम अपने हाथ से ही नाश्ता बनाएंगे आज, इसी बहाने अंकल को हमारे हाथ का स्वाद भी मिल जाएगा। तुम्हारे हाथ में स्वाद तो बहुत है,
आपके जैसा कहाँ बना पाते हैं। अभी तो कितना कुछ सीखना है आपसे। जानती हो जब तुम खाना बनाती हो ना तो तुम्हारे खाने में तुम्हारी माँ के हाथों का स्वाद आता है। सच्ची? हाँ। ये क्या है? आंटी ये रिस्ट बैंड है। अच्छा? आजकल फैशन में है। ओह बहुत सुंदर लग रहा है, एक मेरे लिए भी मंगवा देना। हाँ जरूर, आपको अच्छा लगा? हाँ हाँ बहुत सुंदर। अच्छा सुनो मैं चाय बनाने जा रही हूँ। जी तुम भी आ जाओ। आप थके हुए आए हैं, आप बैठिए, आज चाय मैं बनाऊंगी। अच्छा चलो ठीक है, आज चाय तुम बनाओ। चलो अदरक वाली काली मिर्ची डाल दो। सबका सुंदर अपना घर होगा, सबका अपना अपना घर होगा। अरे क्या लाद के ले जा रहे हैं साइकिल पे? चाची रेती है, बालू। अपना घर बनाने शुरू कर दिया क्या? हाँ चाची, आप लोगों के आशीर्वाद से शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा आपके अकाउंट में आ गया क्या? क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। सबका अपना अपना घर होगा, सबका सुंदर अपना घर होगा, सबका अपना अपना घर होगा, सबका सुंदर अपना घर होगा, सबका अपना अपना घर होगा, सबको खुशी। प्रणाम चाची। प्रणाम प्रणाम, खुश रहिए। अरे क्या लाद के ले जा रहे हैं साइकिल पे? चाची रेती है, बालू। अपना घर बनाने शुरू कर दिया क्या? हाँ चाची, आप लोगों के आशीर्वाद से शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा आपके अकाउंट में आ गया क्या? हाँ चाची तभी तो। अच्छा अच्छा, लेकिन घर बनाने में तो बहुत बालू लगता है, इस तरह कब तक ले जाएंगे, थक जाएंगे। हाँ चाची, लेकिन एक एक बोरी करके दिन भर में ढो देंगे, ट्रैक्टर और ट्रॉली का खर्चा बच जाएगा। बात तो तुम ठीक कर रहे हो बेटा, बचत तो हो जाएगी, लेकिन इस तरह तो तुम थक जाओगे और समय भी बहुत लग जाएगा। जी चाची, देखते हैं, जब तक हो पाएगा तब तक करेंगे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अभी तो तुम जाओ जल्दी, इतना भारी है, चलो चलो। ठीक है चाची, प्रणाम। खुश रहिए खुश रहिए। सबका अपना अपना घर होगा। जब हम सुबह चाय लेकर आ रहे थे ना तो अंकल किसी ट्रक ड्राइवर से फोन पर बात कर रहे थे। क्या? किसी का सामान कहीं पहुंचाने की बात कर रहे थे। सामान? किसका सामान? उस दिन हम सारी महिलाएं इकट्ठी होकर यहाँ आई थी क्योंकि चौबे जी सिनूरी जी के साथ जाने को तैयार ही नहीं थे। अब रहने दीजिए ना उस बात को, सब बाद में अच्छे से हो न गया था। अरे सब ठीक हो गया था, कैसे ठीक हो गया था ये तो हराधन को पता चलना चाहिए ना।